हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है बीआरएस टॉपर्स लाइव के एक और वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। मैं हूं पंकज और आज हम लोग डिटेल बात करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस पे। हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में अभी जाएंगे। इससे पहले मैं ये बता दूं, जो लोग मेरे बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं वो मेरे ये इंट्रोडक्शन स्लाइड देख लें, पॉज करके उन्हें मेरे बारे में पता चल जाएगा। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, वो है हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो किसी भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में, स्पेशली यूपीपीसीएस और बीपीपीसीएस के एग्ज़ाम में बहुत डिटेल में पूछे जाते हैं, या फिर इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं कि अगर आप सिर्फ इनको तैयार कर लें, जो कि बहुत ही सरल काम है, बहुत ही आराम से आप इसकी लिस्ट बना के एक अलग से पेजेस पे बना के आप कर सकते हैं। और केवल ये अभी लिस्ट में नीचे मैं डिस्क्रिप्शन करूँगा, केवल इन 10-12 टॉपिक्स के हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन जिनके पूछे जाते हैं, अगर आप इन्हें तैयार कर सकते हैं तो आप, मेरा विश्वास मानिए, आप कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स में इजीली सही कर सकते हैं, जो कि बहुत कम मेहनत, जो कि इनपुट माने बहुत कम मेहनत और बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यहाँ पे बहुत बेहतरीन रहता है। जैसा कि मैंने अपने कई सीधी बात नो बकवास के एपिसोड में बताया कि मैं वर्किंग था और मेरी फैमिली थी, बच्चे थे, मेरे पास बहुत कम टाइम होता था प्रीलिम्स के प्रिपेयर करने के लिए। तो ऐसे में ये जो हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है, या जिसको आप हिंदी में कहें जो बहुत अधिक पूछे जाने वाले सवाल हैं, उनकी जो सीरीज़ है उसने मुझे बेहतरीन रिजल्ट्स दिए, जिनकी वजह से मैं सिविल सर्विसेज के 15 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स को आसानी से प्रीलिम्स क्लियर कर पाया। उसके अलावा 15-20 और थे जो वनडे एग्ज़ाम्स थे, उनको भी मैंने बहुत आसानी से क्लियर किया। तो ये जो आज हमने हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस की जो सीरीज़ बनाई है, दिस इज़ बेस्ड ऑन द फीडबैक एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनालिसिस, जो हमारे करीब जो हमारी टीम है, स्पेशली सिद्धांत जी और DSP अभिषेक, उसके अलावा भी जो हमारे टॉपर फ्रेंड्स हैं, जो SDM हैं, DSP हैं, इवन IRS हैं, उन सब की हेल्प से हमने ये क्वेश्चन की सीरीज़ बनाई है। और उसको काफ़ी मेहनत के बाद, एनालिसिस के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि ये जो 12 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जो नीचे टेबल में दिए हुए हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और मैं अब शुरू करता हूँ कि क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से ये लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट कराएंगी, और हमारा DRS टॉपर्स लाइफ का क्या प्लान होगा स्टडी का, कैसे हम लोग आपको हाई फ्रीक्वेंसी सीरीज सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, साथ में हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस की एक अलग सीरीज़ मैं चलाऊंगा, जिसमें आपको बहुत गहराई में बहुत सटीक क्वेश्चंस की एक लिस्ट दी जाएगी, जो आपके प्रीलिम्स में बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको बेनिफिट करेगी। विश्वास मानिए, अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आप 30 से लेकर 35 क्वेश्चन तक हर एग्ज़ाम में आपको मिलेगा, चाहे वो UPPCS का प्रीलिम्स हो, चाहे बिहार PCS का प्रीलिम्स हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है, पहला जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो लोग UPPCS या BRPCS के एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो लोग देख सकते हैं कि ये जो लोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं और उनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, ये वो अक्सर पूछा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर माने, आप जो हमारा टेबल में राइट कॉलम इसमें देखिए, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, इस तरीके से और भी जो इंस्टीट्यूट हैं, इंडिया यूपी में फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट का है, ग्रासलैंड इंस्टीट्यूट का है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल्स साग भाजी अनुसंधान का है, फ्लावर इंस्टीट्यूट का है, बी रिसर्च इंस्टीट्यूट का है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है, जो उसके बारे में पूछा जाता है। उसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट संस्थाएँ हैं, जैसे SEBI कब बनी थी और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, NABARD कब बना था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन सी कमेटी उससे रिलेटेड थी, FSSAI जो फूड सेफ्टी एक्ट से के बेस पे जो अथॉरिटी बनी है, उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, उसका करंट चेयरमैन कौन है, इस तरीके के क्वेश्चन तो ये हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोगों को मैं अभी से बता देना चाहता हूँ कि इन चीज़ों पर ध्यान रखें, जो हाई फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन है, ये आपके बहुत हेल्पफुल होंगे। अब चलते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है इंटरनेशनल डेज एंड नेशनल डेज, जो कि बहुत ही डिटेल में पूछे जाते हैं और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्ज़ाम में, मेरा मानना है, चाहे UPPCS का एग्ज़ाम हो या BPSC का, कम से कम 2 क्वेश्चन आपको डेज पे मिल जाते हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड फूड डे, नेशनल इंटीग्रेशन डे, आज राष्ट्रीय अखंडता दिवस, सद्भावना दिवस, नेशनल एजुकेशन डे, दुनिया भर के डेज हैं। और ये पूरे डेज अगर आप देखें, ये कभी बदलते नहीं हैं, ये हमेशा स्टैटिक रहते हैं। चाहे इंस्टीट्यूट की बात करें, वो जहाँ पर बने वहीं रहेंगे, या कुछ एक आध अगर नए इंस्टीट्यूट्स बना है वो करंट अफेयर्स में आपको मिल जाएगा, मगर ये आपके श्योर शॉट क्वेश्चंस हैं जो आपको फ्री के नंबर दिलाएंगे। जैसे जो डेज हैं पूरे, अगर हर महीने में अगर 5-6 डेज इंपॉर्टेंट, तो पूरे साल में अगर आप तो हर महीने के 6-7 डेज इंपॉर्टेंट कर लो, तो करीबन 70-80 या 90 डेज हैं। अगर आप इन डेज को मल्टीपल रिविजन्स के द्वारा याद कर पाते हैं, तो आप मान के चलिए हर पेपर में एक क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा, नहीं तो हो सकता 2 भी मिल जाए। अब तीसरे नंबर पर जो हमारा टॉपिक है, वो है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, जो अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट्स हैं और जो उनकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनकी
इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, और स्पेशली वो चीज़ पूछी जाती है और रेगुलर पूछी जाती है। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो न्यूज़ में रहते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ये कब, इनको ब्रेटन वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन भी बोलते हैं, ये कब बने थे, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड अफेयर्स में। और IMF हो गया, ADB हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गई, शंघाई SCB हो गया, SCO कॉपरेशन हो गया, नेटो हो गया, G20 हो गया, आसियान हो गया, OPEC हो गया, जैसे ऑयल न्यूज़ में है, WHO हो गया, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है WHO, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर, इनके मेंबर्स, इनके मेंबर्स का नंबर, ये सब हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन में कवर करेंगे। मगर ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर प्लान हो, दिमाग में क्लियर पिक्चर हो कि हम क्या देने जा रहे हैं। इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो है रैंकिंग और इंडेक्सेस का। रैंकिंग और इंडेक्सेस, आप UPPCS का एग्जाम, चाहे UPSC का या BPSC का, आप मान के चलिए एक क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से मिलना ही मिलना है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हर साल पूछा जाता है, कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको इशू करती है, इंडिया में उसकी रैंक क्या है, HDI के पैरामीटर्स क्या होते हैं, इंडिया की रैंक क्या है, या कौन सी कंट्री टॉप पे है, कौन सी कंट्री वर्स्ट पे है, ये सब अक्सर पूछा जाता है। तो वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, पाकिस्तान की रैंक क्या है, टॉप हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप कौन सी कंट्री है, सबसे लोएस्ट पे कौन सी कंट्री, कौन सा इंस्टीट्यूट इस इंडेक्स को इशू करता है, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ रैंकिंग और इंडेक्सेस की बात करिए। और ये रैंकिंग और इंडेक्सेस जब हम लोग लाएंगे प्रिलिम्स के करीबन 45 दिन या एक महीने पहले लेके आएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डायनेमिक टॉपिक है, और जब प्रिलिम्स के पहले जो भी करंट अफेयर्स में जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी लेटेस्ट रैंकिंग होगी, वो हम बना के देंगे आपको। और ये जो भी हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन के एक एक रैंकिंग की क्वेश्चन की एक टेबल बना के देंगे या एक वीडियो बना के देंगे, वो मुश्किल से 5 या 10 मिनट या 15 मिनट का होगा, और उसमें आपका एक या दो नंबर, एक या दो क्वेश्चन हर वीडियो में कन्फर्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं अगली दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो 5वें नंबर पे है, नेशनल एंड स्टेट टेंपल्स एंड किसने उनको बनाया है, कौन उनके फाउंडर थे, इस तरीके के क्वेश्चन, जैसे बृजेश्वर टेंपल कहाँ है और उसको किसने बनाया था, कौन से राजा या किस डायनेस्टी के दौरान बनाया गया था, लिंगराजा टेंपल कहाँ है, दिलवाड़ा टेंपल कहाँ है, यूपी में जो मंदिर हैं, तुलसी मंदिर है, अयोध्या में कौन कौन से मंदिर हैं, या अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ है, ये सब हर साल आपको एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में दिलाएगा। सिर्फ एक ये टेंपल्स को अगर आपने याद कर लिया, उनके फाउंडर्स को याद कर लिया, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं, आप मानिए अजंता एलोरा, ये सब मिला के आपको मुश्किल से 25 से 30 टेंपल हैं। मैं ये सब इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम का बहुत कमी होती थी, मेरे पास अपने छोटे छोटे, आप विश्वास मानिए, मेरे पास अपने अपने छोटे छोटे चार्ट्स होते थे, मेरे मतलब मेरे छोटे भाई के कपड़े का शोरूम है, मैं वहाँ से जो टी शर्ट्स उसके पीछे बड़े बड़े वाइट कलर के प्लेन पेपर होते थे, दफ्ते टाइप थोड़े मजबूत होते, तो उनको लाता था, उस पर ये टेबल्स बना लेता और अपनी दीवार पे चिपका देता था। कभी भी फ़ोन पे बात कर रहा हूँ दिमाग में, या फ्रेश होने के लिए कुछ पढ़ रहा हूँ, सामने खड़ा हो गया, हाथ रख के मैं पूरा याद कर लेता था, और उसको इतनी बार रिवीजन किया, 10, 20, 50 बार, 100 बार, कि वो एकदम आज भी मुझे मेमोराइज हो गए। आप कोई भी पेपर में जाता हूँ, आप विश्वास मानिए, केवल 15 दिन करंट अफेयर्स में पढ़ गए, क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन आपको 20 से 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन तक दिला देते हैं। तो अगर आपको ये याद है तो ये बहुत हेल्पफुल होता है, आपका श्योर शॉट सिलेक्शन प्री में करवाता है। इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जैसे प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स, ओर्स, एग्रीकल्चर आइटम, इंडस्ट्रियल आइटम्स, इन सब का प्रोडक्शन और रैंकिंग पूछी जाती है। उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, चाइना का स्थान क्या है, इंडिया का स्थान क्या है, ये सब पूछा जाता है। टी प्रोडक्शन क्या है, टी वॉल्यूम में कौन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, ये क्वेश्चन अक्सर UPPCS में पूछा जाता है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा पोर्ट कहाँ है, कॉफ़ी में इंडिया में सबसे बड़ा राज्य कौन सा जो कॉफ़ी का एक्सपोर्ट करता है या कॉफ़ी का प्रोडक्शन करता है। दालों में कौन सा राज्य सबसे आगे है, राइस में कौन सा देश या कौन सा राज्य सबसे आगे है, गेहूं में, कॉटन में, कॉटन की यील्ड क्या है, ये सब क्वेश्चन बहुत रेगुलरली पूछे जाते हैं। और ये सब टेबल्स जब हम आपको बना के देंगे, विश्वास मानिए, आप एक एक टेबल से एक एक क्वेश्चन कन्फर्म कर लेंगे। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो आप करीब 20 से 30 क्वेश्चन कन्फर्म, और ये पक्के क्वेश्चन हैं। अगर आप केवल ये क्वेश्चंस करके चले जा रहे तो एक ज़बरदस्त एज आपको मिलेगी, और वो जो एज है, वो जो एडवांटेज है, वो आपको प्रिलिम्स में बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ को नहीं फॉलो करते, उनसे आपको कम से कम 15 नंबर की लीड दिलाएगा, और वही 15 नंबर का डिफरेंस आपको कट ऑफ से 5-7 नंबर, 10 नंबर ऊपर ले जाकर खड़ा कर देगा, और 100% मेंस लिखेंगे। और इसी तरीके अगला पॉइंट की बात करते हैं, तो एक्ट, बिल्स, प्रोजेक्ट, पॉलिसी, इनैक्टमेंट ईयर्स, तो जो भी हमारे नए कानून आ रहे हैं, जो भी नए विधेयक आ रहे हैं, जो सरकारी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही हैं, पॉलिसीज़ आ रही हैं, उन सब पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक्ट की बात करूँ तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974, पंचायती राज एक्ट 1993-94, प्रोजेक्ट टाइगर 1972, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1973, गरीबी हटाओ 1980-82 के आसपास था, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में आई, उसके पहले भी आई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अभी कस्तूरीरंगन कमेटी के द्वारा पिछले साल न्यूज़ में थी। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इन सब पे भी हम लोग काम करेंगे, और आपको एक वीडियो 15 मिनट का इन पे मिलेगा, जो आपको पूरे प्रिलिम्स में बहुत हेल्पफुल होगा। इसी तरीके तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे वो BRPCS का एग्जाम हो या UPPCS का, इवन UPSC का, सेंसस और उस पर बेस्ड क्वेश्चन, सेंसस या जो रिलेटेड रिपोर्ट्स होती हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन, चाहे वो फॉरेस्ट रिपोर्ट हो, सेंसस में अगर देखा जाए तो IMR, इंटर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, टोटल
फर्टिलिटी रेट जो पूरे कंट्री में अलग अलग राज्यों में कौन सा टॉप पे है, कौन सा सबसे नीचे है, किसने वर्स्ट इंप्रूवमेंट किया, किसने वर्स्ट परफॉर्मेंस इंप्रूव किया है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंसस में अगर जाएं तो सेंसस 2011 का अभी तक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, 2021 का भी आने में टाइम है, तो 2011 सेंसस के दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे तो कि कौन सी स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, किसकी सबसे कम है, किसका लिटरेसी रेशियो सबसे ज़्यादा, किसका कम है। इवन यूपी का सेंसस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी में किस डिस्ट्रिक्ट में किस सिटी में सबसे ज़्यादा लिटरेसी है, किसमें सबसे ज़्यादा कम है, किसमें सेक्स रेशियो 0 से 6 ईयर्स का ज़्यादा है यूपी के अंदर भी, और पूरे नेशनल लेवल पर बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। सेंसस को कोई भी आदमी छोड़ के ना जाए, एक सेंसस आपके 2 से 4 क्वेश्चन सही कराता है, और ये बहुत छोटा था। सेंसस को अगर आप टेबलाइजेशन करेंगे तो आप देखेंगे सेंसस पूरा सेंसस केवल 2 पन्नों में तैयार है, और 2 पन्ने आपको 4 क्वेश्चन दिलाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बुक्स की बात करें तो बुक्स जो अभी रीसेंट न्यूज़ में हैं और या जो पुरानी हिस्टोरिकल बुक्स हैं, मगर कुल मिला के दोनों रीसेंट, अगर मान लीजिए 5 से 10 बुक रिसेंटली जो एग्जाम के 6 महीने के पहले होती हैं, या 12-20 बुक मान लीजिए, और पुरानी बुक कम से कम 40 से 50, ये 50 से 60 बुक अगर आप याद कर लें, उनको याद करने के भी हम तरीके बताएंगे, या बार बार रिवीजन से आप याद कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं। जो लोग गांधी जी में इंटरेस्टेड हैं, जो अंबेडकर जी में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग उनकी जीवनी से इंस्पायर हैं, वो ऑलरेडी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी, इन सब की कॉमन बुक्स हैं, इनको आप मोटा मोटा याद कर लीजिए तो आप देखेंगे आपको फिर से 1 या 2 क्वेश्चन का फायदा हो जाएगा। अब जैसे हिस्ट्री की बुक्स की बात के एग्जांपल में मैंने दिया हुआ है, हिस्ट्री की बुक्स की बात है, फ्रीडम फाइटर्स की जो बुक थी, चाहे वो लाला लाजपत राय की हों, बाल गंगाधर तिलक की हों, भगत सिंह की हों, भगत सिंह के लेटर की डिस्कशन आता है, अम्बेडकर जी की हों, गांधी जी की हों, और या फिर जो रिलीजियस बुक थी, जैसे गुरुमुखी लिखी गई, आनंद बंट को लिखा बंकिमचंद चट्टोपाध्याय ने, युगांतर एक जर्नल था, न्यूज़पेपर था, काल था, संध्या था, इंडियन ओपिनियन जर्नल था, जो गांधी जी मनसुख लाल नज़र रिलीज करते थे, इससे बहुत क्रिटिकल है और सबको आपको हॉल। और रीसेंट न्यूज़ की बात करें, रीसेंट बुक्स की बात करें, तो जैसे सलमान रश्दी या जो बड़े बड़े नोबेल लॉरियट्स हैं या बड़े बड़े बुक प्राइज़ विनर्स हैं उनका, और खासकर इंडिया से रिलेटेड, जैसे सलमान रश्दी हो गए, रस्किन बॉन्ड हो गए, इन सब की बुक्स न्यूज़ में अगर हैं तो उनको भी लेके जाना, नहीं भी, या फिर जो आर के नारायण हैं उनकी बुक्स के नाम, ये सब न्यूज़ में पूछ ली जाती हैं। इसी तरीके की अभी रिसेंट में न्यूज़ जैसे राम जेठमलानी जी की बुक द रिबल न्यूज़ में थी, या फिर अभी किसी रिसेंट पॉलिटिशियन ने, प्रधानमंत्री जी ने या किसी और ने कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बुक का लॉन्च किया है, वो न्यूज़ में है। तो इस बुक्स को अगर लेटेस्ट बुक और पुरानी बुक्स को कवर करके जाएं तो भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। अब बात आती है, ये हो गया मैंने जनरल, जो आपको किसी भी स्टैटिक किताब में नहीं मिलेगा, जो मैंने अभी तक 9 पॉइंट्स 9 टेबल्स डिस्कस करी, 9 हाई फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन डिस्कस हुए, किसी भी किताब में नहीं दिए हुए, ये जो बड़ी कंक्रीट चीज़ें जो चुराई गई है पूरे हर पेपर के एनालिसिस से, जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो बहुत काम करती थी, तो विश्वास मानिए ये बहुत, जो एनालिसिस मैंने बनाया है ये बहुत इन डेप्थ एनालिसिस है और बहुत हेल्पफुल होगा आपका स्कोर बढ़ाने में। अब इसी तरीके से ये तो मैंने जो ऊपर के 9 टॉपिक्स दिए, ये वो टॉपिक्स थे जो जनरल हम जानते हैं कि सेंसस पढ़ लीजिए, ये किसी सिलेबस में नहीं लिखा है, सिलेबस में कहीं इकॉनमी या सेंसस, इकॉनमी या पॉलिटी या ज्योग्राफी में सेंसस वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ है, या फिर प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स और की बात करें तो ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर का टॉपिक है, बट किसी मतलब ये पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन इसका सिलेबस में नहीं दिया हुआ, मगर ये होता है एनालिसिस, पिछले 5 साल का पेपर का आप एनालिसिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये हमें क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अब बात आती है जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर भी हाई फ्रिक्वेंसी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं बात करूँ पॉलिटी की, पॉलिटी की अगर आप बात करेंगे तो पॉलिटी में देखेंगे कि आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, जो 10 शेड्यूल हैं उनमें से 1 शेड्यूल पूछा ही जाता है, वो 10 के 10 आपको रटे होने चाहिए। पॉलिटी में आर्टिकल्स की बात करें या पार्ट्स की बात करें, 1 से लेकर जो 22 पार्ट तक दिए हुए, सारे पार्ट्स में 17वें पार्ट में क्या दिया हुआ, 3rd पार्ट में क्या दिया हुआ है, 5वें पार्ट में क्या दिया हुआ, 2रे पार्ट में क्या दिया हुआ, लोग ये बेसिक नहीं पूछा, इवन ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। आप विश्वास मानिए मेरे से पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 17, पार्ट 10 ट्रिब्यूनल्स का ये मुझसे पूछ लिया गया था इंटरव्यू में, क्योंकि मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोर ऑप्शन होता, तो ये सब आपको याद होनी चाहिए। तो पॉलिटी में कम से कम आपको 50 से लेकर 70 आर्टिकल याद करने होंगे, 1 से लेकर जो 395 तक आर्टिकल दिए हुए हैं उसमें से अगर आपको 70 आर्टिकल्स याद हैं, उनकी लिस्ट मैं लेके आऊँगा, वो 70 आर्टिकल आपको UPPCS के पेपर में कम से कम 3 क्वेश्चन सही करवाएंगे। आप उठा के पेपर देख लीजिए पिछले 5 साल का, सीधे सीधे आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं, आर्टिकल 44 क्या है, आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 52 क्या है, आर्टिकल 78 क्या है, आर्टिकल 126 क्या है, आर्टिकल 148 क्या है, कैक का है, आर्टिकल 176 क्या है, आर्टिकल 360 क्या है, 352 क्या है, 354 क्या है, ये सब बेसिक चीजें, और ये आपको 3 से 4 क्वेश्चन दिलाएंगे। तो ये हो गए सब्जेक्ट के अंदर के हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन। आपने हो सकता है पॉलिटी डिटेल में ना पढ़ी हो, ना याद हो, मगर केवल आर्टिकल्स आपको 60-70 आर्टिकल याद हैं तो आपके 3 क्वेश्चन कंफर्म UPPCS में और BRPCS में। हिस्ट्री की बात करें तो जितने भी अंग्रेजों के ब्रिटिश राज के दौरान जो गवर्नर्स थे वो उनका सीक्वेंस, उनके बड़ी बड़ी स्कीम्स याद होनी चाहिए, जो बड़े बड़े मूवमेंट्स थे उनके की फीचर्स क्या थे, कौन लीडर्स थे, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या जो ट्रिबल रिवोल्यूशन मूवमेंट्स होते थे उस तरीके के मूवमेंट्स आपको याद होनी चाहिए। कितने जो वॉर्स हुए, जैसे मुगलों के टाइम पर जो वॉर होते थे, बाबर के टाइम पर जो वॉर होते थे, चंदेरी का युद्ध,
कलिंजर का युद्ध, इनका सीक्वेंस, पृथ्वीराज चौहान के युद्ध, ये सब याद होने चाहिए। इसी तरीके उस टाइम के जो जर्नल्स हैं, जो किताबें हैं, ओल्ड रिलीजियस टेक्स्ट हैं, जैसे बुद्धिज़्म में कौन कौन से रिलीजियस टेक्स्ट हैं, जैनिज़्म में कौन कौन से टेक्स्ट हैं, कौन सी किताबें हैं जो बहुत पूछी जाती हैं। और इसी तरीके जो डायनेस्टी हैं, जैसे गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी उसका फाउंडर कौन था, राजपूता डायनेस्टी उसका फाउंडर कौन था, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब आप टेबल में तैयार कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर नोट्स कैसे बनाएं, तो ये है नोट्स कला है चुराने की। इसमें आपको क्या करना है कि ये टेबल अलग से बना लीजिए। आपको फाउंडर याद होनी चाहिए, मगर आप आखिरी के प्रिंट से किताब देख के नहीं बना, मगर आप अगर पन्नों में छोटे छोटे, जैसे मैंने बताया कि मैं एक शीट पे बना के दीवार पे चिपका देता था, फाउंडर की एक शीट है, टेम्पल्स की एक शीट है, इंडेक्सेस की एक शीट है, और ये मेरे सामने पूरे मेरी स्क्रीन पे पूरे चिपके रहते थे। मैं आपको बाद में फोटो खींच के भी भेजूंगा जब पढ़ाऊंगा कि मेरे नोट्स क्या थे। इसी तरह ज्योग्राफी में अगर बात करें तो हाईएस्ट लॉन्गेस्ट माउंटेन्स कौन सा, सबसे बड़ी माउंटेन की सीरीज कौन सी, रिवर्स में सबसे लंबी कौन सी, सबसे छोटी कौन सी ट्रिब्यूटरी है, ये सब आप मैप बना के छोटा सा स्टिकर चिपका लीजिए और आपके बहुत काम आएगा। बॉर्डर्स की बात करें तो हमारे देश का बॉर्डर किससे सबसे ज़्यादा लगता है, किससे कम लगता है, चाइना का बॉर्डर किन किन कंट्रीज से लगता है, या जर्मनी का बॉर्डर किस कंट्री से लगता है, या रॉकी माउंटेन कौन सी कॉन्टिनेंट के कंट्री के बॉर्डर पर हैं, एंडीज माउंटेन कौन से हैं, चाइना की ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उनका जो बॉर्डर घिरा हुआ है कौन से समूह से, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। इक्वेटर कितनी कंट्री से पार होता है, कर्क रेखा कितनी कंट्री से पार होती है, ये इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी सिटी से कितनी स्टेट से पार होता है, ये सब बेसिक क्वेश्चन आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। प्लेट्यूज में इंडिया में कौन से प्लेट्यू, अफ्रीका में कौन से प्लेट्यू, कौन सा सबसे बड़ा प्लेट्यू है, और कहाँ से ज्वालामुखी कहाँ पे, ये सब चीज़ें मैं लेके आऊँगा ऐसे पॉइंट में कि आपको 15-15 मिनट में आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और आपके 2 से 3 क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएंगे। साइंस में अगर इसी तरह के साइंस जो हमारा स्टैटिक सब्जेक्ट है, साइंस में देखा तो इन्वेंटर्स के निम्न, किस साइंटिस्ट ने क्या इन्वेंट किया, कौन कौन से नोबेल लॉरियट इंडिया के थे, या जो बड़े बड़े डिस्कवरीज उनके नोबेल लॉरियट कौन से देते, जैसे आइंस्टाइन ने हर साल पूछा जाता है कि फोटो इलेक्ट्रिसिटी, पीजो इलेक्ट्रिसिटी में नोबेल किसको मिला था, नॉर्मन बोरलॉग को किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज मिला था। इंडियन साइंटिस्ट की बात करें, इंडियन नोबेल लॉरियट्स के बारे में तो उनके बारे में पूछा जाता है, जेसी बोस के बारे में पूछा जाता है, सी वी रमन के बारे में, के चंद्रशेखरन के बारे में पूछा जाता है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। सर जैसे डीएनए का फाउंडर कौन है, वॉटसन एंड क्रिक है, 1962 में उन्हें नोबेल विनर, 1993 में उन्होंने इसकी फाउंडेशन इसको खोजा था। तो विटामिन्स जो आपके 6 से 8 विटामिन है, इनके बारे में इससे कौन सी इसकी कमी से डिसीज होती है, उस विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या है, उसको फाउंड किसने किया, इस सब की चीज़ें पूछे। डिसीजेज की बात करें तो कौन सी बीमारी कौन से वायरस से होती है, डेंगू फ्लेवी वायरस से होता है, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस किससे होता है, मलेरिया प्लास्मोडियम से होता है, उसका कैरियर कौन है, उसका उसका उसको फाउंडर रोनाल्ड रॉस ने उसे फाउंड किया, इस तरीके से ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये करना कुछ नहीं है, हर एग्जाम में ये कॉमन चीज़ें आप इसकी टेबल्स बना के रखिए, आपको फटाफट ये सब चीज़ें काम आएंगी। इसी तरह गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम की सब पूछी जाती है, जैसे जो करंट न्यूज़ में या इवन पुरानी स्कूल भी, जैसे यूपी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री वातर योजना, प्रधानमंत्री वाय वंदा योजना, या प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम, कितनी सारी स्कीम जो न्यूज़ में है उनकी बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, और वो आपको हर एग्जाम के पहले तैयारी हुई, ये नहीं कि ये एग्जाम में करंट में नहीं पूछा गया तो मैंने, वो कहीं भी पूछा जाता है, इवन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो ये इंटीग्रेटेड तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह यूपी गवर्नमेंट की मुखबिर योजना कहती है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये जो स्कीम अभी आई है पिछले 2-3 साल से न्यूज़ में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी के जो एक्सप्रेसवेज हैं, किनकी लंबाई क्या है, उसको किसने लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, किनकी डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जाएगी, ये सब क्रिटिकल क्वेश्चन है। हर यूपी से होता हुआ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, उनकी लंबाई क्या है, किन किस पाथ को फॉलो करते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। या फिर जैसे गवर्नमेंट स्कीम में वुमेन पावर हेल्पलाइन या उसको या कोई और कॉल सेंटर नंबर, स्कीम 112, ये सब पूछा जाता है। तो गवर्नमेंट स्कीम सेंट्रल और स्टेट लेवल की भी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम से पहले आपको कम से कम 20 से 30 गवर्नमेंट स्कीम्स रेडी होनी चाहिए आपके अपने स्टेट की, चाहे यूपी का एग्जाम हो या बिहार का, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इंपॉर्टेंट 20 से 30 स्कीम्स है वो सब भी मोटा मोटा याद होना चाहिए, ताकि इतना हो याद हो कि आप जब ऑप्शन 4 देखें तो आपको तुरंत याद आ जाए कि उसका आंसर क्या है। इसी तरह एक और जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है कमिटीज़ और कमीशंस का। अब पुरानी कमिटीज़ में मानो शिव रामन कमेटी नबार्ड में बनी थी 1982, 6 जुलाई 1982 के केलकर कमेटी बनी थी, उसके भी अलग अलग नानावती कमीशन किस काम के लिए बना था, और दूसरे कमीशन गंगा रिलेटेड कमीशन कौन कौन से बने थे। इस तरीके की न्यूज़ हम लोगों को पढ़नी होती है, जो कहीं ना कहीं न्यूज़ में या तो अभी न्यूज़ में है, और जो रिसेंटली जो कमिटीज़ बनती हैं, जैसे कोरोना के लिए, कोविड के लिए कोई कमेटी बनाई हुई होगी, अब अम्फान के लिए अगर हो सकता है कोई पैकेज या कोई कमेटी इस्टेब्लिश की जाए, या जैसे IPL के अभी फिक्सिंग के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, कौन से जज उसके, ये सब के तरीके के क्वेश्चन, इवन इंटरनेशनल कमिटीज भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना। अब इसी के साथ आज का ये बहुत क्रिटिकल जो हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस की जो डीप एनालिसिस है, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगी। और जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसी डिटेल ये आपके लिए पूरा प्लान लेके आएगा, और कल से ही मतलब इस वीडियो के तुरंत बाद आपको साथ में एक पहला जो क्वेश्चन, पहला जो वीडियो लेक्चर देखने को मिलेगा हाई फ्रीक्वेंसी सीरीज का, वो होगा लोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। जो डायनेमिक हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है, जैसे रैंकिंग एंड इंडेक्सेस, प्रोडक्शन ऑफ ओट्स, एग्रीकल्चर, ये सब ऐसी चीज़ें जो बदलती रहती हैं, इनको मैं प्रीलिम्स के करीब 1 महीने पहले लेके आऊँगा। फिलहाल जो कि प्रीलिम्स हमारे लिए कम से कम 2-3-4 महीने दूर है, मेरा मानना है अगस्त से पहले अपना UPPCS का प्रीलिम्स नहीं हो पाएगा, तो उस केस में मैं अभी जो स्टैटिक चीज़ें जैसे इंस्टीट्यूट्स का इस्टैब्लिशमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स और उनका इस्टैब्लिशमेंट, टेम्पल्स,
और बिल्स और ये सब चीज़ें मैं लेके आऊँगा, सेंसस लेके आऊँगा, और इन पे हम लोग आपको बढ़िया सा लेक्चर प्रोवाइड करेंगे जो प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसी के साथ आप सभी लोगों का वंदन और अभिनंदन, और मैं सबको थैंक्स बोलते हुए आज का वीडियो लेक्चर क्लोज करूँगा। और मैं चाहूँगा सभी लोग सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़े रहें। हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत करने का प्लान बना रहे हैं, टीम हमारी तैयार हो रही है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं बैकएंड पे। अभी धनराज सर के पॉलिटिक लेक्चर आने शुरू हो गए हैं, पैरेलल में हमारी सीधी बात नो बकवास के कंटिन्यूएशन में वीडियोज़ चल रहे हैं, और उसी में टॉपर्स की कहानी उन्हीं की जवानी एक और सीरीज़ आएगी, जहाँ हम सेलेक्टेड टॉपर्स के इंटरव्यूज लेके आएंगे सिद्धांत, अभिषेक और मैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं क्लोज करता हूँ। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।